अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी एजुकेशन पे, ये आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और वो उन लोगों के लिए जो बाहर के मुल्क आना चाहते हैं फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए या फिर क्या कहते हैं जॉब्स के लिए। तो यहाँ पर हामन में एक स्कूल है जिसका नाम है हॉक शूले वासरबर्ग लान। ये लोग इसको ई को ये ए पढ़ते हैं, तो इसका नाम है वासरबर्ग लैंड। सो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज आपको मैं थोड़ी सी ज़्यादा ब्रीफिंग दूंगी। बाकायदा इस पर मैंने रिसर्च की है। तो इसकी देखें, आपने पूरी पार्किंग इन लोगों ने साइड पे दी हुई है। इसे बाकायदा मैंने स्टडी की है, बाकायदा पर्सनली मैंने और मेरे हस्बैंड ने विज़िट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अच्छा, तो हॉक शूले जो है ये स्कूल, ये बहुत अच्छा स्कूल है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना, ये उसी के पास ही है, वासर वाली जगह पे ये हामन में वासर। इसके नीचे मी लाउंज भी। अच्छा, सो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन लोगों के एडमिशन्स ओपन है। ये लोग जो ये फील्ड करवा रहे हैं, एक तो वो करवा रहे हैं IT MBA करवा रहे हैं और ये BA करवा रहे हैं। और मज़े की बात है, ये लोग स्कॉलरशिप से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जो जर्मन की जो पॉलिसीज़ है, जो इनकी एम्बेसी की पॉलिसीज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हुई है। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वीज़ास लगा रही है, स्टडी वीज़े के लिए बच्चों को वीज़ा दे रही है वो। और मज़े की बात है, यहाँ पे जॉब्स के लिए भी लोगों को एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेक्चरर्स चाहिए लोगों को मैथ्स के लिए, स्टार्ट्स के लिए, और साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है उसके लिए चाहिए लोगों को, डेटा सिक्योरिटी के लिए। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे डिज़र्विंग है, जो बच्चे, देखें पहली बात ये, ऑब्वियसली हर कोई यूरोप आना चाहता है, कौन यूरोप नहीं आना चाहता, लेकिन यही बात है कि एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। सही बात है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जो स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चे होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जो प्राइवेट, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्राइवेट भी दे रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार आप लोग, अगर आपका स्कॉलरशिप पर एडमिशन नहीं होता, बट मेरी बात माने आप लोग, एक दफ़ा बेशक प्राइवेट करके एडमिशन लेकर आ जाएं, क्योंकि आप जितना लगाते हो और इन्वेस्ट करते हो पैसा, इस मुल्क में आप ट्रिपल गुना पैसे कमाते हो ज़्यादा। ये बहुत अच्छा स्कूल है, मैं आपको सारी लिंक्स नीचे प्रोवाइड करूँगी ताकि आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट करें। अल्लाह करे आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलें और मेरी बात माने, प्लीज़ अपना फ्यूचर बनाएं, आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि जर्मन जो होती है इनकी पॉलिसीज़ हर साल चेंज होती है, हर साल ये लोग चेंज करते हैं, लेकिन जो इस साल उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है, ये लोग जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए आना चाहते हैं, ये लोग उसको खुद, ये लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, वीज़ा लगा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे नीड एम्प्लॉयज़, दे नीड स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ गाइज, ये मेरा बनाने का मकसद क्यों है, ये बनाने का मकसद इसलिए है ताकि आप लोग ज़रूर आएँ, ज़रूर एडमिशन लें। और यहाँ पे इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी जॉब्स के इनके पास बंदे ही नहीं है, लेकिन जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसको आपको, इसकी सारी मैं आपको लिंक्स दूंगी, आप अप्लाई करो, ऑनलाइन इनका फॉर्म फिल करो आप लोग, ये स्कॉलरशिप से प्रोवाइड करें। देखिए यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने देखिए क्या बनाया हुआ है। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना, ये बैटरी, ये देखें, ये गाड़ियाँ अपनी पेट्रोल से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पे डाल रही हैं। ये इनके स्टूडेंट्स ने बनाई है, ये हॉक शूले वासरबर्ग लैंड ने बनाई है ये मशीन। अब इनकी गाड़ियाँ पेट्रोल से कन्वर्ट होके ये बैटरीज में जाएंगी, ये इसको चार्ज करेंगी। ये देखें आप ये देखें, आपको यकीन आएगा, इनके बच्चों ने बनाई है। सोचें कितने टैलेंटेड बच्चे हैं इनके। यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये आपको इतना चीप पड़ेगा, इतना चीप के आप सिर्फ गाड़ियों को चार्ज करोगे, सिर्फ चार्ज आप लोगों को ये पेट्रोल नहीं देना डालना पड़ेगा। ये सून, ये लोग इस चीज़ को, ये सारे जर्मन अपनी गाड़ियाँ ये लोग कन्वर्ट करके, पेट्रोल से कन्वर्ट करके ये इसमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे सारे। अच्छा, ये इसका, ये देखें, ये मैं आपको मेन गेट दिखा रही हूँ हॉक शूले का। ये इन लोगों ने पार्किंग दिया हुआ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मज़े की बात, मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो बच्चे बाहर आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे,
प्लीज़ मेक श्योर किया करें, आप लोग हमेशा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, जैसे बर्लिन की यूनिवर्सिटी होगी, हमबर्ग की यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, आप लोग हमेशा छोटी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं टारगेट करते, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती क्यों, क्योंकि देखिए ना छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती ना यहाँ पे बच्चे कम अप्लाई करते हैं और फॉरनर स्टूडेंट्स भी कम अप्लाई करते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाएँ, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो चाहते हैं हम स्कॉलरशिप में पढ़ें, जर्मनी आएँ, तो वो अप्लाई करें, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, FSC में अच्छे हैं या ICS में अच्छे मार्क्स लिए हुए इन लोगों ने, तो आप लोग अप्लाई करो। ये देखें इनका कैफ़े है, ये इन लोगों का कैफ़े है, ठीक है, ये आप लोग इधर आओ, मज़े की बात है यहाँ पे सिनेपेक्स भी अंदर है, आप आके अगर आपकी क्लास जल्दी ख़त्म हो जाती है, आप मूवीज़ देखो अंदर आके, और यहाँ पर आपको ना इंग्लिश में मूवीज़ मिल जाती हैं, ट्रांसलेटेड हुई होती हैं, यहाँ आके आप मूवीज़ देखो, अंदर गेम्स खेल लो, सब कुछ कर लो। ये देखें पार्किंग के लिए इन्होंने साइकिल्स दी हुई हैं, एक तो इनका ये पार्किंग अलॉट भी है, पार्किंग इन्होंने अलॉट किया हुआ है स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और एक पीछे जो आपको बैक साइड पे भी इन लोगों ने वो जो है आपको साइड पे वो भी इनको पार्किंग एरिया दिया हुआ है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए अलॉट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, प्लीज़ अप्लाई करें, अपनी किस्मत आजमाएँ, प्लीज़ ये हर बच्चा अपनी इस चीज़ से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मैं आपको फिर बार बार दिखा रही हूँ, हॉक शूले प्लीज़ अप्लाई करें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी ब्रांच है इनकी हैनोवर में भी ब्रांच है, इनकी बर्लिन में भी ब्रांच है, वहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे पाकिस्तानी बच्चे हों, किसी भी कंट्री के बच्चे हों, वो ज़रूर अप्लाई करें, वो अपनी किस्मत आज़माएँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जर्मन की पॉलिसीज़ बहुत लीनियंट हुई है, प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें। मैं आपको जर्मन एम्बेसी की लिंक भी सेंड करूँगी, ताकि आप लोग ज़रूर, आपको इंशाल्लाह एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, और मैंने सारी इसकी स्टडी की है, और यहाँ पे इनको लेक्चरर्स की भी ज़रूरत है, मैंने आपको बताई हुई, जैसे पहले भी बात बता दिया, मैं आपको सब लिंक सेंड करूँगी, आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करें इधर, और फटाफट जो इनकी प्रोसीजर है, मैं आपको जर्मन एम्बेसी की एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मैं सबमिट कर दूँगा, क्राइटेरिया भी आपको पता चल जाएगा इनको क्या चाहिए, बट यहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत स्कोप है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इनको बहुत चाहिए। मैं आपको फिर एक बात बताना चाहती हूँ, फिर मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, जर्मनी में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, इनके पास वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, इनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ये चाहते हैं हम फॉरनर्स को, ये लोग चाहते हैं कि फॉरनर्स आके अप्लाई करें, हमारी कंट्री की इकॉनमी को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। तो गाइस प्लीज़, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन दूँ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूँ, और प्लीज़ आप लोग अप्लाई करें, मैं चाहती हूँ हर बच्चे का मुस्तकबिल ब्राइट हो, हर बच्चा आए, हर बच्चा यहाँ पे आके पढ़े यूरोप में, और अगर आप बेशक अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इधर पढ़ते हो, आप इमिग्रेशन करवा सकते हो, इमिग्रेट करवा के आप बर्लिन की ब्रांच में चले जाओ, या हैनोवर में तो इसकी ब्रांच है, आप हैनोवर में चले जाओ, अगर आपको कहते हो नहीं यार इस तरह नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता रही हूँ, यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बच्चों को खुद एडमिशन दे रहे हैं, ये बच्चों को चाहते हैं बच्चे आएँ और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी बैक साइड पर आपको मिलेंगी, क्या कहते हैं, बैक साइड पे आपको इसकी मिलेंगी घर है यहाँ पे, बेशक आप घर भी इतने महंगे नहीं है, अगर हम कंपेयर किया जाए बर्लिन वगैरह को, तो वहाँ पे घर बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आप शेयरिंग में रह सकते हो, तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, चीप पड़ेगा आपको, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, मैं तो चाहती हूँ आप सब आओ, सब अप्लाई करो, क्योंकि आप लोगों की खातिर मैंने और मेरे हस्बैंड पर्सनली विज़िट किया, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, हमने पर्सनली इनकी इन्फॉर्मेशन ली है, सिर्फ आप लोगों के खातिर, ताकि आप लोग आओ इधर, आपको एडमिशन मिले, ना कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए, कि किसी बंदा होता ना किसी की यूनिवर्सिटी की प्रमोशन के लिए इंसान गलत इन्फॉर्मेशन दे, नहीं, इनको तो पता ही नहीं हम इनके लिए इनकी वीडियोज़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो बेसिकली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने इनसे डिटेल में पूछा है कि कैसे हम आपसे फॉरनर स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें, तो आप कॉल तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको कॉल करो के नंबर्स दिए मैंने, लेकिन आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, आप इनको मेल करो,
आप इनको मेल करो, अपनी CV दो, अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करो। मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह करे आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, जिस कंट्री में लोग रहते हैं वो बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन इंसान अपना कैरियर बनाने के लिए सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता है। और जब आपको पता है एक जगह पे जॉब्स अवेलेबल हैं, इनको चाहिए एम्प्लॉयज़, इनको चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ क्यों ना अप्लाई करो। तो हामन में आपको मैं फिर रिमाइंड करवाती हूँ, ये हॉक शूले हामन में आप अप्लाई करो, बिकॉज़ यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, सेमिनार्स ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। आप वो देख लो, मैंने जैसे आपको दिखाया कि लोगों ने इनके बच्चों ने क्या बनाया है। सोचें अभी ये एक साल के अंदर अंदर जर्मनी बदल जाएगा, पेट्रोल ख़त्म, जर्मनी में तो पेट्रोल ख़त्म, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, पर जर्मनी में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, बैटरी से चार्ज होगी, और आपको जो पेट्रोल पहले इतना चीप है इधर, और आपको सोचें अब आपको पेट्रोल ही ख़त्म, आपको सिर्फ अपनी गाड़ी आगे चार्ज करनी है, मुश्किल से ये 2 यूरो 3 यूरो लेंगे आपसे, मुश्किल से। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाई है। हामन अगर मैं आपको घुमा रही हूँ तो हाल ही इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक ट्रैवलिंग स्पॉट्स दिखाऊं, कहाँ कहाँ ट्रैवल करो, मेरा मकसद ये है कि मैं हामन की एक चीज़ दिखाऊं आपको, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ पे हो, चाहे वो हो क्या कहते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट्स पे हो, चाहे वो शॉपिंग पे हो, हर चीज़ आपको हामन की पता होनी चाहिए। हामन की आपको चीज़ें दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका बनाऊंगी, ऐसा ऐसा सिटी टू सिटी ट्रैवल करेंगे आपके लिए, हम नेक्स्ट हैनोवर का ट्रिप बनाएंगे, लेकिन अभी हामन को हमने पूरा विज़िट करना है, आपको दिखाना है। तो मैं आपको लिंक्स दूंगी, जर्मन एम्बेसी की लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे खोलो, आप लोग ख़ुद पढ़ के हैरान हो जाओगे कि बहुत अच्छी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई इनकी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एक बार आप लोग जर्मनी आओ, आप ट्रिपल मल्टीप्लाई बाई 3 कमाओगे आप। अगर आपका प्राइवेट में एडमिशन होता है तो मेरी बात माने, आप लोग प्राइवेट भी आएँ प्लीज़ गाइस, क्योंकि हो ना अगर ऐसे मुल्क में आप जाओ जहाँ पे जॉब्स ही नहीं, आप पढ़ लो, यहाँ पे MBA की डिमांड है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डिमांड है, यहाँ पे BCOM की डिमांड है, यहाँ पे BA की डिमांड है, हर चीज़ का स्कोप है, हर चीज़ का स्कोप है। हमारे मुल्क में एक बन जाता है ना, ओ इस चीज़ का स्कोप नहीं है, इधर ऐसा नहीं है, इधर कहते हैं यार हमें पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए, हमें चाहिए बच्चा। ये देखें इन्होंने ये भी, आपको मज़े की बात है, इस यूनिवर्सिटी में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप वो शिप्स में जा सकते हो, शिप्स इन्जॉय करो, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाई है। ये देखें ये इनकी बैक साइड, यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करो, इनके पास पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा है। अब ये देखें ये लोगों के सेमिनार स्टार्ट होने लगे हैं हॉक शूले के, 1 सितंबर को है, 1 फिफ्टींथ। ये देखें इनके सेमिनार्स रोज़ होते हैं, ताकि बच्चों को जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके मिले, और इनके फेस्टिवल्स भी बहुत होते हैं, और जो उनको होता है ना कि हलाल खाना कहाँ से मिलेगा, इसकी बैक साइड पर ही आपको स्टड गैलरी जो लास्ट वीडियो में दिखाई थी, इसकी बैक साइड पर ही है, और स्टड गैलरी में आप लोगों को हलाल फूड भी मिल सकता है, हलाल नाश्ता कर सकते हो आप लोग, और हर चीज़ आपके इधर सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। तो बनाने का मकसद फिर वही है, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, बिकॉज हम तो जर्मनी रहते हैं लेकिन आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जब एक चीज़ आपको सब समझें, जर्मनी वालों, जर्मन एम्बेसी ने एक गेट ओपन कर दिया आप सब स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्यों नहीं अवेल करो। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इतना शेयर करें कि जो बच्चा विलिंग है, जो बच्चा इस जो बच्चा एक होता है टैलेंटेड है, डिज़र्विंग स्टूडेंट है, वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करे। तो इसकी लिंक्स मैंने नीचे डाली हुई है, आप ज़रूर विज़िट करो, जर्मन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स चेक करो, अपना चेक करो कि आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट में उतरते हो, और स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि स्कॉलरशिप्स इधर बहुत हैं, और इनको सबसे बड़ी कंपनी लेंजे सॉफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी है, वो इनको फंड्स देती है, एक उनकी फाउंडेशन है, क्यों देती है, ताकि सबसे बड़ी कंपनी है वो इधर बर्लिन में भी है, उसकी हैम्बर्ग में भी है, यहाँ पर जो बच्चा ग्रेजुएट होता है वो सीधा अपने कंपनी में ले लेता है, उसको हायर कर लेता है, और इसको अराउंड पाकिस्तानी 3 to 5 lakhs उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। सो गाइस अब आपका काम है कैसे आपने अपने एक फ्यूचर बनाना है, कौन सी लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, किस तरह आना है, इट्स अप टू यू गाइस, लेकिन प्लीज़ ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ये ना हो कि आप लोग डेट मिस कर दें, क्योंकि इनके पास सीट्स बहुत हैं, मैं फिर कह रही हूँ सीट्स अवेलेबल हैं, इनके पास स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को रख रहे हैं। और एक और बात, यहाँ पे इंग्लिश भी है, ये टेंशन मत ले, हाय हम जर्मन हमें नहीं आती ये वो, लेकिन आप लोग जर्मन की इनकी एक रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश, लेकिन आपको ना जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसको तो आपने फुलफ़िल करना है ना, तो आपको अगर आप जैसे अगर आप 12वीं
क्लास में हो, ठीक है, आपने आगे बैचलर्स करना है, तो आप लोग जैसे वो एंड होते हैं आप अप्लाई कर दो, अपॉइंटमेंट ले लो एम्बेसी से, आप वहाँ पे अपना कोर्स करते रहो, A1 कर लो, A2 करो, A2 करने के बाद आप उसको पास करो और यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। मैं आपको फिर बता रही हूँ, हॉक शूले में इंग्लिश चलती है, जर्मन का कोई ऐसा जितना मसला नहीं है, इतना मसला नहीं है, क्योंकि इनको खुद टीचर चाहिए इंग्लिश का। अगर आपने अगर टीचिंग कर रहे हो आप लोग पाकिस्तान में और आप चाहते हो यार इधर के लेक्चरारशिप करूँ, मैं लेक्चरार बन जाऊँ, यहाँ पे अप्लाई करो ज़रूर। स्टैट्स, मैथ्स और साइबर सिक्योरिटी के इनको टीचर्स चाहिए। मैं आपको फिर बता रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।